लगी विपक्ष के सवालों की कतार। दूसरी ओर पक्ष करेगा प्रश्न चिन्हों से इनकार। मुद्दे जो राष्ट्रीय चर्चा का विषय होंगे, खुद जनता करेगी उन विषयों पर सीधा प्रहार। देखना ना भूले फैसला आपका सिर्फ trupal.com पर। हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे। तो क्या देश में एक साथ होने चाहिए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव? नहीं, यानी देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। क्यों? कुछ बिंदुओं पर नजर डालते हैं। संघीय ढांचे के खिलाफ और कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं। जी हाँ, भारत संघीय ढांचे वाला एक लोकतांत्रिक देश है, जहां विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग इसलिए होते हैं ताकि मतदाता विधानसभा के जरिए राज्य के विकास कार्यों और मुद्दों के आधार पर मत कर और लोकसभा के माध्यम से देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी सरकार का चुनाव कर सके। साथ ही संविधान में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो दोनों चुनावों को एक साथ कराने की बात कहता हो। जनप्रतिनिधियों से डर खत्म होगा और मुद्दों से भटकाव होगा। कैसे? एक ही साथ लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव होने से जनप्रतिनिधियों से यह डर खत्म हो सकता है कि एक राज्य में अच्छा काम ना करने का खामियाजा दूसरे राज्य में उठाने को मिल सकता है। वह इस डर से मुक्त हो जाएंगे और काम ना करने वाला भी जीतता जाएगा। साथ ही राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों और उनका चुनाव प्रचार मतदाता को भटका सकता है और जरूरी मुद्दों पर मतदान होने की संभावना भी घट जाती है। संसाधनों की कमी और छोटे दलों को बड़ा नुकसान। जी हाँ, कैसे? एक ही समय पर सभी चुनाव कराने से संसाधनों के उपयोग को अपनाने में कठिनाई महसूस की जा सकती है। या तो हमें बड़ी संख्या में संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा, जो अपने आप में एक खर्चीला सौदा होगा। मान लीजिए सभी जगह एक साथ चुनाव होने पर मतदान केंद्र, चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मी जैसे अन्य तमाम संसाधन एक साथ उपलब्ध कराना बहुत चैलेंजिंग होगा। वैकल्पिक रोजगार की कमी और अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, अलग अलग चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिलता है। एक साथ चुनाव ना कराए जाने से बेरोजगारी और बढ़ सकती है। इसके साथ ही यदि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इन परिस्थितियों में भी चुनाव आवश्यक हो जाता है। ऐसे में एक देश एक चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा? तो इन बिंदुओं के आधार पर मैं प्रबलता के साथ कह सकता हूँ कि देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ नहीं होने चाहिए। क्या देश में एक साथ होने चाहिए लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव? लोकतंत्र की मजबूती और भ्रष्टाचार की कमी। जनतंत्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सुशासन सुनिश्चित करना भी है। एक देश का एक चुनाव स्थिरता, निरंतरता और सुशासन सुनिश्चित करने में अहम साबित होता है। चुनाव में इस्तेमाल होने वाले काले धन पर लगाम लगाकर भ्रष्टाचार मुक्त चुनावी वातावरण बनाने में मदद मिल सकती है। कम चुनाव खर्च और समय की बचत। दरअसल चुनावी प्रक्रिया एक महंगा इवेंट है। यही वजह है कि सभी चुनाव एक साथ कराने से लागत में काफी कमी आ सकती है। चुनावी सुरक्षा और चुनाव आयोजित करने से संबंधित और भी खर्च होने वाले पैसे को बचाया जा सकता है, साथ ही समय की भी बचत हो सकती है। आदर्श आचार संहिता और सुरक्षा। आदर्श आचार संहिता में चुनाव के कई रोज पहले सभी सरकारी विकास कार्यों को रोक दिया जाता है। अब ऐसे में देश के अलग अलग कोने में साल भर चुनाव होते ही रहते हैं, तो जाहिर है कि विकास कार्य देश भर में अलग अलग समय पर सालों से बाधित होते आ रहे हैं। इसके अलावा साल भर सुरक्षा बलों को देश की सीमाएं छोड़कर चुनावी प्रक्रिया में लगे रहना पड़ता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी सही नहीं है। राजनीतिक ध्रुवीकरण में कमी और शासन पर कम बोझ। यानी चुनाव के समय विशिष्ट क्षेत्रों और राज्यों पर फोकस करना और अलग अलग आधारों पर ध्रुवीकरण की नीति अपनाना, एक साथ चुनाव से इसमें कमी लाई जा सकती है और पार्टियों को राष्ट्रीय मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय और प्रोत्साहन मिल सकता है। साथ ही एक समय पर सभी चुनाव कराने से प्रशासन पर एक ही काम के अलग अलग बोझ को कम किया जा सकता है। इन बिंदुओं के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि देश में एक साथ चुनावी प्रक्रिया जरूर होनी चाहिए।